हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है ग्राफ ट्रेसिंग में, तो आइए शुरू करते हैं। कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी, भाई अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जो उसके ग्राफ का शेप होगा दैट विल बी कॉनकेव अप। कॉनकेव अप हुआ मतलब कॉन्वेक्स डाउन हो गया। यूजुअली हम कॉनकेव के रेफरेंस में बात करते हैं बट अगर कहीं कॉनकेव अप को कॉन्वेक्स डाउन लिखा हुआ मिले तो समझ जाना एंड इट्स वेरी लॉजिकल। ये देखो भाई, ये कॉनकेव वाली साइड ऊपर है ना, और यहां पर भी ये कॉनकेव वाली साइड ऊपर है। ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। भाई एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप इसमें देख लो, जो टेंजेंट का स्लोप है वो बढ़ते जा रहा है। यहां पर भी वही हो रहा है बट यहां पर विजुलाइज करना इजी होता है। यहां पर टेंजेंट अगर मैं बनाऊं तो ये एंगल कंपेयर टू दिस एंगल ज्यादा है, और क्योंकि ये दोनों ऑब्ट्यूज हैं इट विल बी फ्रॉम पाई बाय टू से पाई तक के। अब पाई बाय टू से ज्यादा जो टेन है वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता है, और जैसे जैसे एंगल पाई की तरफ जाता है वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक के। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है वैसे ही स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए भाई, ग्राफ में हम जैसे आगे चलते जाएंगे जो टेंजेंट का स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। यहां पर ये विजुलाइज करना कि भाई टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज हो रहा है वो इजी है। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज कॉनकेव डाउन, या यू कैन से कॉन्वेक्स अप, ज्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी है कॉनकेव डाउन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी कॉनकेव डाउन, ये भी कॉनकेव डाउन। तो कॉनकेविटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई रिलेशन नहीं है। कॉनकेविटी सिर्फ ये बताती है कि डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। भावना है समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? कॉनकेव अप इस इंटरवल में और कॉनकेव डाउन 1/3 से लेकर 1 तक के। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, वेवी कब, जिंदाबाद। तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव कब है? फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 1 एंड वैल्यूज लेसर देन 1/3। तो जहां पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है वो हो गया कॉनकेव अप, और 1/3 से लेकर 1 तक के एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो ये चीज हो गई कॉनकेव डाउन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करी है। मैं सब पॉसिबिलिटीज आपको बता देता हूं और फिर बाद में उन चीजों को हम समराइज करेंगे। ये जो चीज है वो तो नेसेसरी कंडीशन है। क्या है कि x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ द कॉनकेविटी चेंजेस अराउंड x इक्वल टू a। मतलब x इक्वल टू ए से पहले अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है
और x इक्वल टू ए के बाद डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो पहले वो कॉनकेव अप था बाद में कॉनकेव डाउन हो गया, या इसका उल्टा हो जाए कि x इक्वल टू ए से पहले वो कॉनकेव डाउन है बाद में वो कॉनकेव अप हो। अब इसके साथ कई ऑथर्स अलग अलग कंडीशंस ऐड करते हैं, जैसे कुछ ऑथर्स कहते हैं कि भाई फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कई कहते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं हो चलेगा, कंटिन्यूस होना चाहिए, कई कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है दोनों, बस फंक्शन की कॉनकेविटी चेंज होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऑथर्स क्या क्या कहते हैं। थॉमस कैलकुलस बहुत ही फेमस किताब है, यहां पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है, अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज अ टेंजेंट लाइन, मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कॉनकेविटी चेंजेस वो तो एज आई सेड की वो कंपलसरी बात है। आई ए मैरोन, ये भी कैलकुलस की बहुत फेमस किताब है, उन्होंने भी देखिए क्या लिखा है, एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट बट एफ डैश एक्स नॉट डज एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जी तेवानी जी ने यहां पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो या एफ डबल डैश एक्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, खैर ये तो चलो अलग बात है, मेन फोकस है इस पॉइंट पर वेर एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये यहां पर कह रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसी में उन्होंने आगे ये एक इलस्ट्रेशन लिखा है, जैसा फोटो बनाया है भाई, ये जो है ये कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव डाउन है, तो इस पॉइंट के अराउंड कॉनकेविटी चेंज हो रही है, वो तो नेसेसरी कंडीशन है। एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि ये यहां पर चोंच बन रही है ना, किंक, तो ये यहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है बट कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी हेंस एक्स इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जैसा मैं बता रहा था कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कंटिन्यूस नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, उनके हिसाब से सिर्फ कॉनकेविटी चेंज होनी चाहिए। तो यहां पर देखो भाई, ये पहले कॉनकेव डाउन फिर कॉनकेव अप, अब किस पॉइंट पर प्रिसाइजली चेंज हो रही है वो तो मैं ढंग से प्लॉट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, सो भावनाओं को समझिए। ये देखिए भाई, कॉनकेव डाउन फिर कॉनकेव अप, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूस भी है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर ये इंक्रीजिंग है, यहां पर पहले कॉनकेव अप फिर कॉनकेव डाउन, फंक्शन कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर कॉनकेव डाउन फिर कॉनकेव अप, ये पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बट क्योंकि कॉनकेविटी चेंज हो रही है दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर कॉनकेव अप फिर कॉनकेव डाउन, फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट क्योंकि कॉनकेविटी चेंज हो रही है दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप, कॉनकेविटी चेंज हो गई बट ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बट स्टिल दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैंने आप लोगों को सब पॉसिबिलिटीज बता दी, एक्चुअली अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया नहीं है, आपने कंफ्यूज कर दिया है। सो यस, कंफ्यूज कर दिया है क्योंकि कंफ्यूजिंग है भाई, अगर कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, अलग अलग ऑथर्स ने, इतने सेलिब्रेटेड ऑथर्स ने अलग अलग चीजें लिखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर फाइनल ये टिप दे सकता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लो, JEE कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी जिसमें इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी हो, अगर क्वेश्चन आता भी है उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। जैसे ये जो पहला और दूसरा केस है जिसमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, अब ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इससे पहले कॉनकेविटी अप मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहां पर कॉनकेविटी डाउन
मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है इस पे डबल डेरिवेटिव क्या हुआ? जीरो। सेम कहानी यहां पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यहां पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जीरो है। इसको आप आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई क्या आंसर आया? नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो ये आ गया। ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इक्वल टू जीरो किया तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। बट क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होगा जब इसके अराउंड डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा। जीरो से पहले ये पॉजिटिव, जीरो के बाद ये पॉजिटिव, मतलब ये थ्रू आउट कॉनकेव अप है, साइन चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।